तो जैसे हम भारत पता जाए कैसे आप लोग बढ़िया तो हम बढ़िया। तो फटाक से चढ़ दो, चलो हमारे सारा सामान हो गल। ए चुप रहो, तो बहुत बेसी बोल लू, कम बोलो तो फायदा में रहू, सेहत के लिए अच्छा रही। अरे ये डिस्को डांस ही लोग कर रहे लोग। तो अभी जिम निकलने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, 3:30 बजे सोचे निकलेंगे लेकिन लेट हो गया है। तो भी क्या, चलो थोड़ा सा लेट ही पहुँचा जाएगा क्या। और अभी तो हम लोग निकलते हैं जिम के लिए। अभी जूता पहनेंगे और आज देखते हैं शोल्डर करते हैं या बैक करते हैं, दोनों में से कोई एक किया जाएगा। और सारा सामान तो ले लिए ना, ब्लूटूथ ले लिए, अपना ये ले लिए, इधर लगा हुआ है चश्मा है, चल ठीक है। जय श्री राम। तो जूता पहन कब निकला जाएगा बस, और शोल्डर करने का है। और अभी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बेली एरिया पर, क्योंकि बेली एरिया कम नहीं हो रहा है। थोड़ा खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट फिर से चालू करना पड़ेगा अपना लगता है। आप लोग से 1 सेकंड में मिलते हैं, 1 मिनट। आप तो अभी निकलते हैं जिम के लिए और आज देखते हैं क्या होगा, शोल्डर या बैक। देखिए ना, अभी हमको मेन अभी 3 जगह हमको 3-4 जगह अभी मेन फोकस करना है कि आर्म्स, शोल्डर और ये क्या बोलते हैं एब्स। तो ये 3-4 जगह हमको भी फोकस करना होगा ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि ये मेन विजिबल जगह होता है सुंदर बॉडी दिखाने के लिए। तो भी अभी आर्म्स भी बचा हुआ है, आर्म्स भी नहीं हुआ हम लोग का। तो देखते हैं आज क्या होता है, ये शोल्डर या बैक आज होगा, देखते हैं कल। आज जो भी होगा होगा, कल देखा जाता, कल तीनों हो जाएगा, कल कोई 3 मसल हो जाएगा, देखते हैं आज क्या होता है। आप लोग से हम 2 मिनट बाद मिलते हैं अपना एरिया से निकलने के बाद। A few moments later. वो अब बस थोड़ा देर में जिम पहुंचने वाले हैं और बोले थे कि थोड़ा देर में मिलते हैं आप लोग से 1-2 मिनट में, लेकिन नहीं, रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि जल्दी जल्दी चल रहे थे। अभी भी 4:00 के कुछ मिनट हो चुका है, जल्दी जिम पहुंचना है। थोड़ा टाइमिंग में चेंज करना पड़ेगा अपना, जो 6 बजे जाते हैं 4 बजे जिम जाना होगा, क्योंकि अपना 6 बजे का जैसे शेड्यूल में थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, रात में देर से सो रहे हैं, इसका भी शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा। और अभी आज देखते हैं जिम जाके क्या होता है। और बताइए आप लोग कैसे हैं कमेंट में, तो जाने की कितना है लोग जो हमसे हमको अपना मानता है तो कमेंट करेगा कोई, नहीं तो ठीक है। और अभी जा रहे बस, और अपना ज़िंदगी में भी अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है, देखा जाता है प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होता है, लेकिन अपना तो साला प्रॉब्लम से डरता है नहीं, किसी का बाप अपना बाप का सिवा किसी का बाप से डरता है नहीं अपन। तो हमको ना महा गाड़ी का भी, ये गाड़ी में हमको सबसे ख़राब गाड़ी हमको लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी। इलेक्ट्रिक गाड़ी 4 चक्का ले लो, 2 चक्का ले लो, गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, तो दो समझ गए 4 चक्का 2 चक्का है, स्कूटी भी ले लो, तो हमको इलेक्ट्रिक गाड़ी से बहुत नफरत है। उस लोग को अच्छा लगता होगा, वो लोग का परस्पेक्टिव है कि वो लोग को अच्छा लगता है, हमको लेकिन अच्छा नहीं लगता। ये मेरा परफेक्ट मतलब कि मेरा पॉइंट है ये, क्योंकि भरोसा नहीं है कब का हो जाएगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में, तो और गारंटी नहीं है कि कब कहाँ उसका बैटरी ख़त्म हो जाए, हर जगह उसका चार्जर मिलता है नहीं। हाँ, मेन इलेक्ट्रिक गाड़ी का बैटरी का ही दाम होता है, तो वो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी का गारंटी नहीं कब उसका बैटरी का चार्ज ख़त्म हो जाए और कौन सा बीच रास्ता में बंद हो जाए। तो वापस
वापस क्या बोलते हैं टो वाला टोइंग को बुलाना पड़ेगा, टो करके ले जाना पड़ेगा, उधर खर्चा। सबसे अच्छा है भाई साहब पेट्रोल और डीजल गाड़ी, तेल भी ख़त्म होगा ना तो अगल बगल पेट्रोल स्टेशन खोज के 1 लीटर भी अगर तेल डाल दो ना गाड़ी में, घचाक से गाड़ी चालू, कोई टेंशन नहीं है पेट्रोल लोगी, पेट्रोल डीजल गाड़ी में चला पेट्रोल स्टेशन खोजो, 1 लीटर भी पेट्रोल डाल दो, खचाक से चालू और उसको पेट्रोल स्टेशन तक ले जाके पेट्रोल भरवा दो, डीजल भरवा दो, कुछ भी करो। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी पे हमको कोई जन्म में भरोसा नहीं होगा भाई साहब, चाहे जो जितना अच्छा इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए। हमको पसंद है भाई साहब बस पेट्रोल कार्स, जैसे कि ये थार, थार इज़ माय फेवरेट कार। थार में भाई साहब कोई भी मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, कोई भी दिमाग लगा सकते हैं कुछ भी करने का, गैंगस्टर लुक भी दे सकते हैं ऑफ रोड, और गैंगस्टर लुक भी दे सकते हैं ऑफ रोड और लुक भी दे सकते हैं। तो अभी जिम पहुंच चुके हैं, आप लोग से हम बाद में मिलते हैं। You're not good enough, there's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? With the
तो आप लोग देख ही लिए हैं कि सारा वर्कआउट हो चुका है और अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। और कुछ दोस्त लोग जो जिम का दोस्त लोग था, तो उन लोग को कुछ बर्थडे आ रहा है मेरा, तो वो लोग बोला कि भाई पार्टी दे दे क्योंकि बर्थडे का दिन तो ते बिजी रहेगा। हम बोले ठीक है ले ले, और ले जाके वो लोग खिला पिला दिए। ज़्यादा खर्चा नहीं, 200-300 रुपया खर्चा हुआ, खिला दिया बढ़िया से वो लोग को। वो लोग भी चला गया, हम भी घर के तरफ निकल रहे और घर जाएंगे अभी पोस्ट वर्कआउट लेंगे मिल और रेस्ट करेंगे। कल काम पे भी जाना है और कॉलेज भी जाना है, दोनों जगह जाना है, तो रेस्ट चाहिए बॉडी को। अभी शोल्डर अच्छा खासा हो चुका है, तो अभी हम घर की तरफ जाएंगे और ऊपर से अभी बरसात अच्छा खासा हो चुका है, तो इसीलिए अच्छा है कि हम छाता हम अपना पास रखे हैं। तो अभी घर जाएंगे और पोस्ट वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसका बाद थोड़ा सा कॉलेज का काम है। और कितना 4 एक इधर और उधर यार 15 पेज और लिखने का है, तो जितना टनाएगा 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 अच्छा है, और बाकी कल कर लेंगे। तो अभी आप लोग से हम घर जाके मिलते हैं और आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, ठीक है, घर जाके मिलते हैं। जय श्री राम।